Okay. The first thing that we have to do is to remove all possible containers. So चूंकि मैं खुद application कुछ try करता आ रहा हूँ तो मैं फिलहाल सारी चीजों को जो है ना डिलीट करना चाह रहा हूँ तो उसमें I'll just try to show you. You will not have this Docker Hadoop master running. लेकिन अगर आपके containers में कोई चीज running है तो उसको stop करने की कोशिश करें. अब ये जो Hadoop master है जो अभी आपके यहाँ भी चलेगा तो इस केस में आई विल नीड टू स्टॉप ईच ऑफ दीज. ठीक है तो लेट मी ट्राई टू स्टॉप इट फर्स्ट कि स्टॉप होता है कि नहीं होता. ये Hadoop को चलाने के लिए ना डिफरेंट सर्विसेज हैं. जैसे हमने दो की तो बात की थी कि नेम नोड और वो डेटा नोड. बाकी ये कुछ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जो कि चेंज होती रहती हैं. ठीक है तो ये देखिए आपके ये एक स्टॉप हो गया, रिमूव कर रहा है उसको. तो इसी तरह आई एम जस्ट स्टॉपिंग ईच ऑफ दीज. अगर ये स्टॉप नहीं होता तो समटाइम्स इट गिव्स एन एरर के दिस सर्विस इज बीइंग यूज्ड बाय सम अदर सर्विस फॉर एग्जांपल. तो फिर आपको इसके अंदर डबल क्लिक करके जाके उसको रिमूव करना होगा. नाउ ये सब हो गए, अब मैं सबको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कंटेनर्स भी नहीं चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू राइट फ्रॉम द स्क्रैच. तो लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यू कैन रिमूव द कंटेनर्स एंड स्टॉप देम ऑल्सो फ्रॉम विंडोज डॉकर. पहले ये था कि टिपिकली हम उस पर कमांड लाइन के ऊपर हम कमांड लिखते थे इसकी डॉकर किल एंड डॉकर आर एम. डॉकर आर एम से जो है ना कंटेनर रिमूव होता है आपको आईडी देनी पड़ती है उसकी. सही है तो अभी ये इसको रिमूव कर रहा है तो लेट्स वेट फॉर दिस टू डिसअपीयर. कोई भी बाज़ों का ऐसा होता है कि आप उस पे लोकल होस्ट वगैरह के ऊपर ना चीजें रन कर रहे होते हैं या कमांड लाइन के ऊपर आपने कुछ चीजें रन की होती हैं. तो अब ये देखिए जैसे ये कमांड लाइन एक एप्लीकेशन है तो कमांड लाइन के ऊपर मैं काफी चीजें ट्राई आउट कर रहा हूँ. तो आई शुड ऑल्सो एग्जिट दिस. ठीक है क्योंकि मैं आई ट्राई टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो इस वजह से अच्छा ये अभी रिमूव हो नहीं रहा तो इसको आई जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. तो डबल क्लिक करने के बाद नो सच कंटेनर तो मैं यहां से इसको डिलीट करता हूँ. रिमूविंग में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो लेट्स वेट फॉर दिस. और उसके साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ. ये कुछ इमेजेस हैं जो कि डाउनलोड किए हैं मैंने तो मैं अभी इन सबको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि देखें अब ये आराम से रिमूव हो रहे हैं ऊपर से वो आ रहे हैं इमेज. क्योंकि मैंने इनके सारे जो डिपेंडेंसीज हैं जो कंटेनर्स रन कर रहे थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए. तो जब कंटेनर्स डिलीट कर दिए हैं तो फिर जो इमेजेस हैं मैं उनको भी आराम से जो है ना रिमूव कर सकता हूँ. ठीक है अब देखें ये वाला अभी तक रिमूव नहीं हो रहा. वो इसलिए रिमूव नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कंटेनर जो है ना वो अभी तक चल रहा है. तो ये मुझे किसी तरह इसको डिलीट करने की कोशिश करनी है क्योंकि ये फिर गड़बड़ करेगा बाद में. ये उसका अंदर का व्यू है बेसिकली ना रिमूव कंटेनर. So what happened now? Okay, so now all the containers are gone basically. ठीक है तो that's what I wanted to show you. These are the volumes जो कि तीन volumes हमें create करनी है लेकिन ये भी मैं remove कर रहा हूँ. Volumes के बारे में हमने last time ये पढ़ा था कि volumes allow us to manage the जो application हम बना रहे हैं उसका पूरा हम इसको मैनेज कर सकते हैं वॉल्यूम्स के थ्रू. सही है ये वॉल्यूम्स हमने पहले बनाई थी. इनको भी अगर आप चाहते हैं रिमूव कर दें जस्ट क्लियर आउट एवरीथिंग. ठीक है तो नाउ वी हैव सीन के डेटा एनवायरनमेंट फिलहाल मैंने कोई क्रिएट नहीं की. सो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं. वॉल्यूम भी एम्प्टी है. आई डोंट हैव एनी ऑफ दोस थिंग्स जो कि मुझे चाहिए बेसिकली अब फिलहाल करंट वाला काम करने के लिए. And containers are also not there. ठीक है अच्छा now log into this portal. Let me just हाँ
ये आपका वो आपका दिस इज योर क्लास फोल्डर, तो डाउनलोड दिस फाइल डॉकर हडूप मास्टर और दिस हडूप मैप प्रोड्यूस एग्जांपल्स, ठीक है। यार डॉकर हडूप मास्टर ये जिप फाइल होगी, दिस इज हडूप मैप प्रोड्यूस, दिस इज द जार फाइल एंड दिस हडूप डॉट डॉकर इज द पीडीएफ फाइल। तो काइंडली डाउनलोड दीज थिंग्स, फिर मुझे बताएं जब हो जाता है। आई हैव लेट मी जस्ट टेल इट टू यू के आई हैव पुट देम, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस, ठीक है। आई हैव पुट देम इन द डायरेक्टरी डी कोलन बिग डेटा, ठीक है। डी कोलन बिग डेटा की डायरेक्टरी दिस में मैंने डाला है, तो व्हेन यू आर डन विद दिस देन लेट मी नो। वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस डॉकर हडूप मास्टर फाइल एंड वी आर नाउ डबल क्लिकिंग इनटू दिस फोल्डर। सही है, नाउ लेट अस ओपन दिस डॉकर कंपोज। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फोल्डर्स। ऑब्वियसली ये बेस फोल्डर है, इसके अंदर यू कैन सी देयर इज अ डॉकर फाइल, डेटा नोड के अंदर भी देयर इज अ डॉकर फाइल, हिस्ट्री सर्वर, अगेन द सेम थिंग्स। तो वी सीम टू हैव फाइव और सिक्स कॉम्पोनेंट्स हेयर। वन इज द रिसोर्स मैनेजर, तो ये मैंने आपको बताया था कि व्हेन आई वाज टीचिंग हडूप के हडूप के अंदर जो जॉब एग्जीक्यूशन है उसकी जो रिसोर्स एलोकेशन है वो अब मैनेज होती है बाय अ सेपरेट कंपोनेंट, तो उसको हम प्राइमरीली जान कहते हैं, येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर। तो ये एज अ सर्विस हमने यहाँ पर चलानी है, ठीक है। तो अभी होगा ये कि हम वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रन हडूप, वी आर ट्राइंग टू रन हडूप इन अ सिंगल पीसी बट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर। सो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो दैट इज प्राइमरीली ऑन अ सिंगल डेटा नोड एंड द अदर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी विद मल्टीपल डेटा नोड्स। तो हडूप के अंदर यू प्राइमरीली अंडरस्टैंड के नेम नोड इज द मेन मैनेजर एंड द डेटा नोड इज द वर्कर, ठीक है, जो कि उसमें कहा तो आई कैन हैव मल्टीपल डेटा नोड्स टिपिकली और ये इकट्ठे मिलके दे फॉर्म द क्लस्टर। और उसके अलावा जो लवाजमाती सर्विसेज हैं वो लवाजमाती सर्विसेज में ऑब्वियसली यू हैव द हिस्ट्री सर्वर विच इज रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री, यू हैव द रिसोर्स मैनेजर एंड यू ऑल्सो हैव द नोड मैनेजर, ठीक है। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी लवाजमाती हैं लेकिन दे आर द मैनेजर्स बेसिकली। तो इस क्लस्टर को सही तरह से डिस्कवर करने के लिए, सही है, तो एक्चुअली क्या है कि रिक्वायर दिस थ्री कंपोनेंट्स। बाकी जो मेन जो चीज है वो क्या है, वो नेम नोड है और डेटा नोड है। सही है, सो दैट इज द बेसिक सेटअप जो कि हमें यहाँ देखना है। अच्छा, अब इसके अंदर ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग के इफ यू वॉन्ट टू डॉकराइज एन एप्लीकेशन, बिकॉज लास्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेब सर्वर है और उसके साथ एक और डेटाबेस आपको लगाना है, उसके साथ कोई कोड की फंक्शनैलिटी अटैच करनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऑल ऑफ दिस कैन बी डन विद इन द सेम डॉकराइज एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल पीसी, अगर वो पीसी अच्छा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड एन एप्लीकेशन जो वेब सर्वर जिसको चाहिए एंड उसको डेटाबेस चाहिए और इन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो दैट कैन हैपन इन वन पीसी एज अ डिफरेंट सर्विस। तो दिस होल एप्लीकेशन विल बी डॉकराइज्ड, ओके, एंड आई विल हैव अ कंटेनर फॉर माय डेटाबेस एंड अ कंटेनर फॉर द वेब सर्वर एंड आई विल वांट देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड देन रन द एप्लीकेशन। तो इतना आसान हो जाएगा कि इसके बजाय कि मैं अपने अपने डेस्कटॉप मशीन के ऊपर, जो कि काफी भारी मशीन भी हो सकती है, सो दिस इज माय कीबोर्ड, तो मैं एक वेब सर्वर अलग से इंस्टॉल करूं और फिर एक डेटाबेस अलग से इंस्टॉल करूं
और फिर इनको आपस में बड़ी मुशक्कतों से कम्युनिकेट करवाऊँ। तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसके बजाय कि मैं ये काम करूँ, मैं कहता हूँ यार एक डॉकराइज्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं जिसमें डेटाबेस रन्स एज अ सर्विस। ये आप लोगों ने सुना होगा, आपने आजकल तो बड़ा मशहूर हुआ हुआ है डेटा एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये तो पता होगा ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये सारी चीजें एज अ सर्विस आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, डेटा एज अ सर्विस, एनालिटिक्स एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, बहुत सारी चीजें सर्विस पे आ रही हैं। तो सिमिलरली डॉकराइज्ड आर्किटेक्चर भी एक सर्विस है। तो आई कैन क्रिएट डिफरेंट सर्विसेस, आई कैन क्रिएट अ डेटाबेस सर्विस एंड आई कैन क्रिएट अ वेब सर्वर सर्विस। और मैं जब उनको क्रिएट करता हूँ तो मैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवा दूँ। उसके लिए ज्यादातर ये होता है कि मुझे पोर्ट्स की स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। आई नीड टू स्पेसिफाई द पोर्ट्स के आपकी पोर्ट्स जो है ना वो कौन कौन सी है, मतलब कम्युनिकेशन इज मोस्टली थ्रू पोर्ट्स, राइट। अगर मैं किसी भी पीसी से कनेक्ट करना है तो वो पीसी मुझे पोर्ट ओपन करेगा मेरे लिए और मैं उस पोर्ट पे जाके कनेक्ट होऊंगा। तो इसी तरह जब हमने लास्ट टाइम जब हमने रन किया था क्लास में, तो आपने देखा था कि हम पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर रहे थे, जो क्लाउडेरा का डॉकर जो हमारा रन नहीं कर रहा था, तो उसमें वी वर स्पेसिफाइंग द डिफरेंट पोर्ट्स के एक मेरी मशीन की पोर्ट है और एक मेरी डॉकर कंटेनर के अंदर की पोर्ट है। तो उन दोनों को मुझे आपस में मिक्स करवाना होता है, यानी मैच करवाना होता है, दोनों को एक दूसरे से बातचीत करवानी होती है, ठीक है। इसी तरह जब एक पूरे आर्किटेक्चर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी है, तो बातचीत करने के लिए भी एक दूसरे को उनको पोर्ट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि भाई वेब सर्वर ने डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो डेटाबेस की कौन सी पोर्ट है जिसपे वेब सर्वर कनेक्ट होगा, और वेब सर्वर की कौन सी पोर्ट है जिसपे डेटाबेस उसको डेटा देगा। तो वेब सर्वर जो है ना वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे आएगी, वेब सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को डेटाबेस पे भेजेगा, ये किसी पोर्ट के ऊपर ये पोर्ट लिसन करेगा उसको, और जब ये उसका डेटा निकाल के एसक्यूएल एग्जीक्यूट करके वापस भेजेगा तो यहाँ पर भी कोई पोर्ट होगी कम्युनिकेशन के लिए, तो उस पोर्ट पे वो देगा, फिर वो यूजर को दिखा देगा। सो ज्यादातर ना पोर्ट्स की मैपिंग पे काम किया जाता है, पोर्ट्स की मैपिंग हो गई है बस कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। डॉकराइज कंटेनर के अंदर डॉकराइज आर्किटेक्चर में ये पोर्ट मैपिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप डॉकर नहीं इस्तेमाल कर रहे और अगर आप पूरे पूरे एक्चुअल एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये Nginx का वेब सर्वर है, ठीक है। सो आई विल से कि ये मेरा Nginx का वेब सर्वर है और ये जो वेब सर्वर है ये इसने बात करनी है MongoDB के एक इंस्टेंस से, ठीक है। तो अब अगर मैं ये काम यहाँ पे करता हूँ तो मुझे Nginx का लेटेस्ट वेब सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर MongoDB का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, मे बी उनके आपस में कंपेटिबिलिटी ना हो। आपको पता ही है ना ये वर्जन्स का प्रॉब्लम आता रहता है हमारे सॉफ्टवेयर्स के, जब हमने डीप लर्निंग पे काम करते हैं तो टेंसर फ्लो के वर्जन से बहुत फर्क पड़ जाता है। टेंसर फ्लो 1 और टेंसर फ्लो 2 के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, तो वो बाज़ चीज़ें जो है ना वो उसकी सारी ब्लॉग्स और हेल्प जो है ना वो टेंसर फ्लो 1 की अवेलेबल है ऑनलाइन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम टेंसर फ्लो 2 पे करते हैं तो सारा कोड हमें बदलना पड़ता है। तो ये मसाइल इस सिनेरियो में आते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैं एक कंटेनराइज आर्किटेक्चर बना रहा हूँ तो मैं Nginx का कंटेनर डाउनलोड करूंगा, MongoDB का कंटेनर डाउनलोड करूंगा, इन दोनों कंटेनर्स के दरमियान आमतौर के ऊपर कोई डिसकम्पैटिबिलिटी नहीं होती। अगर मैं दोनों की पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर दूं तो वो बड़े आराम से जो है ना एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो उनके दरमियान आपस में डिसकम्पैटिबिलिटी नहीं होती, तो वो टेंशन भी हमारी आमतौर पर खत्म हो जाती है, ठीक है। ये अगर आप लेटेस्ट, आपको याद होगा कि हमने पुश किया था लेटेस्ट टैग जो है ना डॉकर हब के ऊपर जो हमने चीजें पुश की थी, तो उसको टैग हमें स्पेसिफाई करना पड़ा था, टैग हमने कहा था भाई लेटेस्ट टैग आपने लगाना है। तो जो लेटेस्ट टैग इन सारे बड़े बड़ी कंपनीज का होता है, Nginx का, MongoDB का, वो कंपेटेबल होता है एक दूसरे के साथ ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी टेंशन हमारी खत्म हो गई। तो अब तरतीब यही रखनी चाहिए कि भाई हम एक अच्छे पीसी के ऊपर अपना डॉकराइज्ड एक आर्किटेक्चर बना लें और उसी के थ्रू हम सारे काम करवाएं, ठीक है। अभी तक क्लियर है बात, कोई चीज पूछनी तो नहीं है?
जी तो ये चीज जो है ना, ये चीज आपकी जो है ना वो आपको जानना जरूरी है। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब हमने ये सर्विसेज वगैरह किस तरह से वो करनी है, जो कि ये कहते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो हमने किस तरह क्रिएट करनी है, मतलब जो आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन बनती है तो एप्लीकेशन हमने किस तरह बनानी है, तो वो विल फॉर्म दैट थ्रू अ फाइल विच इज कॉल्ड डॉकर कंपोज। ये डॉकर कंपोज फाइल जो है इसको आप एडिट करें तो आई जस्ट सो दिस इज दी डॉकर कंपोज फाइल। तो डॉकर कंपोज जो है ना वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि इट एक्सप्लेन्स टू यू कि हाउ द डिफ कौन कौन सी सर्विसेज होंगी और वो सर्विसेज आपस में किस। भाई जी डॉकर कंपोज V3 फाइल है या डॉकर कंपोज है? अच्छा अभी कंपोज वाला खोले। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए ना कि मैंने आपसे कहा था ना कि डिफरेंट सर्विसेज आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगी और कम्युनिकेट करेंगी, इससे बातचीत कर सकते हैं, सारा आर्किटेक्चर बनेगा। तो अब सर्विसेज की डेफिनेशन ऑकर्स इन दिस फाइल विच इज कॉल्ड डॉकर डैश कंपोज, और ये जो फाइल है इसको कहते हैं यमल फाइल। तो ये एक्चुअली दिस इज YAML, इसको हम पहले कहते थे येट अनदर मॉडलिंग लैंग्वेज, और अब जिसका जो डेफिनेशन है ना वो इज समथिंग एल्स। वो मेरा ख्याल में ये है कि इट वाज फर्स्ट येट अनदर मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, और अब जो है ना वो इस तरह है कि यू एंड मॉडलिंग लैंग्वेज समथिंग लाइक दैट। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, रोटेशन वही है। तो जब हम इसको सेव करते हैं तो सेव इसको YAML फॉर्मेट में सेव किया जाता है। मैंने अपना पूरा आर्किटेक्चर जो है ना वो इसी फॉर्मेट में स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो अभी नाउ आई स्टार्ट डिफाइनिंग माय सर्विसेज, तो उसके लिए आई हैव टू डिफाइन द सर्विसेज टैग, और सर्विसेज टैग के बाद जो है ना तो उसके ऊपर मैं सबसे ऊपर वर्जन लिख सकता हूँ। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग द फाइल, डॉकर कंपोज फाइल। देखें इसका इस किस्म के काम को करने के लिए ना आपको अपनी कंपनी में एक सिस्टम्स का बंदा हायर करना पड़ेगा। ये सारे काम जो है ना वो मैं अपने रिसर्च में तो कर सकता हूँ अपने लिए स्मॉल स्केल पे, लेकिन अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन और उसकी डेवऑप्स वगैरह की बातें कर रहे हैं ना, तो उस केस में आपके पास जो है ना फिर हर हाल में वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, एक बंदा होना चाहिए जो कि ये सब चीजें आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह बना के दे और आपको जो है ना वो स्पेसिफाई करे चीजें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो नेम नोड, अब मैंने कहा कि सर्विसेज हैं तो फर्स्ट सर्विस विच आई वॉन्ट इज अ नेम नोड, तो मैंने उसका नाम रखा है नेम नोड। और ऑब्वियसली देखें कहानी ये है कि हर चीज आपके पास डॉकर हब के ऊपर पड़ी हुई है, तो डॉकर हब से आपने उठा के लाना है और आपने उसको इस्तेमाल करना है इमेज को। बात खत्म हो गई, आपने नेम नोड खुद तो नहीं लिखना ना, अब हर चीज डॉकर हब के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला इमेज है जो हडूप नेम नोड है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ये दिखाया था कि अगर हम इसमें आए हब डॉट डॉकर डॉट कॉम में, तो इसके अंदर ओके लेट मी जस्ट साइन अप। अच्छा नहीं, ये साइन है, लॉग इन करना है, सॉरी अबाउट दैट, आई हैव टू लॉग इन। वेयर इज द लॉग इन? यार साइन इन, ये ठीक है। आप लोग भी साइन इन कर लें और अब ये तो खैर मेरा अपना आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अब जैसे सर्च करते हैं ना नेम नोड, राइट,
अब ये देखें कि ये स्टेलर ग्राफ, नेम नोड, नेम नोड फ्लास्क, हेलो नेम नोड, यहाँ तो किसी का नाम है मेरे ख्याल में, या मेरे ख्याल में ये, नहीं नहीं अच्छा ये नेम नोड, ये हडूप के नेम नोड, तो जैसे मैं कहता हूँ नेम नोड हडूप, रैंचर हडूप बेस, हडूप कॉन्फिग, हडूप फॉलोअर्स, रैंचर, अब ये रैंचर के बहुत सारे आगे आईबीएम का है, ये देखें ये बीडीई 2020 हडूप नेम नोड विद 5 मिलियन प्लस डाउनलोड, तो अब ये किसी ने नेम नोड का एक कंटेनर बना के रखा हुआ है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर अस, वरना तो मतलब हमारे बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो है ना वो इस चीज को मैनेज कर सकें कि हम नेम नोड को उस तरह से संभाले। आप देखें हडूप का नेम नोड भी है और हडूप का डेटा नोड भी है, तो ये बीडीई 2020 ने रखा हुआ है, ये वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये है बीडीई का मतलब है बिग डेटा यूरोप, तो ये बिग डेटा यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये सारे कंटेनर्स बना के जो रखे हैं, देखिए रिपोजिटरीज इनकी कितनी है, तकरीबन 100 के करीब है, फ्लिंक मैवन टेम्पलेट, फ्लिंक एसएफडी, ये सारे फ्लिंक के आ रहे हैं। फ्लिंक जो है ना वो भी एक बेसिकली स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपका वो है, ये देखिए ना स्पार्क पाइथन टेम्पलेट, स्पार्क हिस्ट्री सर्वर, स्पार्क वर्कर। अब अगर हमें स्पार्क चलाना है तो वो उसके लिए ये सारी चीजें हमें डाउनलोड करना पड़ेंगी, अभी तो हम हडूप से कर रहे हैं ना, तो इन्होंने हो सकता है कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह भी बना के रखी हो जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको चलाना है, तो इट्स नॉट अ थिंग, तो ये अच्छी चीज है बिग डेटा यूरोप के हिसाब से, ये आपको हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाए ये सॉरी ये मेरे ख्याल में ये वेबसाइट इनकी नहीं होगी, हाँ ये गिटहब पे है ये, ठीक है, तो ये देखिए सारी चीजें इन्होंने गिटहब पे डाली हुई, तो आप ये सारे हैंड्स ऑन आप खुद भी ट्राई आउट कर सकते हैं, डॉकर स्पार्क, डॉकर फ्लिंक, डॉकर हाइव। ये जो क्लाउडेरा डॉकर था ना, क्लाउडेरा डॉकर का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो अब लेटेस्ट हडूप के साथ ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, उन्होंने कोई WSL की कोई सेटिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई है, तो वो अभी इससे बेहतर ये है कि हम इसको अलग से ट्राई आउट कर लें, वो तो आपको बना बना एक पैकेज मिल जाएगा ना, इट्स नॉट ऑफ मच यूज, लेकिन ये जो काम है ना ये आप जरा ज्यादा तरीके से इसको संभाल सकते हो। ये बेसिकली सारे बिग डेटा के देखें हडूप और स्पार्क, यानी हाइव इस दिस इज द वन विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, हाइव हो गया और डॉकर स्पार्क हो गया और हडूप हो गया, ठीक है, तो अगर आप स्पार्क पे देखें इन्होंने सारा बताया हुआ है, ये उसकी कंपोज फाइल की डिस्क्रिप्शन होगी, स्पार्क मास्टर कैसे रन करना है, डॉकर रन, तो ये खुद ही सब कुछ लॉन्च स्पार्क एप्लीकेशन, तो ये खैर इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्पार्क और हाइव को देखेंगे, अभी फिलहाल हम अपनी बेसिक्स को सही कर लें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। हाँ जी ठीक है, अच्छा अब देखिए आप ये नेम नोड मेरी सर्विस का नाम है, नेम नोड का ये मेरा अपना होता है, मैं सर्विस का नाम क्या रखता हूँ मेरे अपने पे है, यही सर्विस पे डॉकर की उसमें आएगी, जब आप लिस्ट करेंगे ना डॉकर पीएस जब आप कंटेनर्स की लिस्ट करेंगे तो सर्विस का नाम होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ये डॉकर पीएस, तो ये नेम नोड है, ये हमने इमेज को स्पेसिफाई कर दिया, अब वो इमेज कहाँ से उठाता है वो डॉकर की हेडेक है, जो हमारा विंडोज फॉर डॉकर है, आपने बस उसको इमेज का नाम देना है और वो उसको खुद ब खुद डाउनलोड करेगा, इसका नाम मैंने नेम नोड रखा है, ठीक है, रीस्टार्ट, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज रीस्टार्टेड, कि इसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो देखें ये पोर्ट्स की मैपिंग हो रही है कि जो कंटेनर के अंदर की पोर्ट 9870 वो मेरी होस्ट की 9870 के ऊपर मैप होगी, यानी कंटेनर के जब आप डॉकर कंपोज को चलाएंगे तो पूरी आर्किटेक्चर आपका जो है ना वो सेट होगा, तो वो डॉकर कंटेनर के अंदर लोकल होस्ट 9870 पे नेम नोड चलेगा और 9000 पे भी नेम नोड चलेगा, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में दो URLs होते हैं जो कि दोनों डिफरेंट चीजें बता रहे होते हैं, तो अभी हम देखते हैं, लेकिन यही चीजें जो है ना फिर हमें एक्सपोज होंगी हमारे अपने सिस्टम के ऊपर भी, ये मैंने सिर्फ पोर्ट्स की आपस में मैपिंग करवा दी है, तो वही नंबर रखा है, तो अंदर की वही पोर्ट है बाहर की भी पोर्ट पे, तो अब मैं अपने लोकल मशीन के ऊपर चीजों को देख सकता हूँ, मुझे कंटेनर एप्लीकेशन के अंदर जाके चीजों को देखने की जरूरत नहीं, मैं अपने उस पर देख सकता हूँ, ठीक है,
अब ये वॉल्यूम मैंने क्या रखा, हडूप नेम नोड। तो अब देखिए यहाँ पे ना मैंने तीन वॉल्यूम्स बनाई हुई है। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिससे आपकी डेटा की जो मैनेजमेंट है वो आपकी अच्छी हो जाती है, मतलब आप अपना डेटा को अच्छे ही तरीके से मैनेज कर सकते हो, सिमिलरली टू हाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डर्स। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम बनेगी ये इसमें प्राइमरीली होगा स्लैश हडूप डीएफएस और नेम। तो इसके अंदर आपका बेसिकली इस वॉल्यूम के अंदर आपका नेम नोड चल रहा होगा, एक मैनेजमेंट है, मतलब मैं उसको सेपरेटली चलाना चाह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर उसको एक डायरेक्टरी में डालना चाह रहा हूँ, तो ठीक है मेरी मर्जी है, मैं उसको बना सकता हूँ। तो वॉल्यूम के अंदर ये फोल्डर्स बनेंगे और उसके अंदर मेरा नेम नोड चल रहा होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेम नोड, आपको पता है कि जब नेम नोड चलेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि उसके अपने लॉग फाइल्स होती हैं, उसके अपने कुछ साथ में उसकी लवाजमाती फाइल जनरेट होती हैं, कुछ चीजें वो इस्तेमाल कर रहा होता है, तो बेहतर है कि वो सारा काम जो है ना वो आपका एक ही डायरेक्टरी में हो। ठीक है, अच्छा क्लस्टर नेम इक्वल्स टू टेस्ट, ये अभी मैंने कोई एनवायरनमेंट उसको खास क्रिएट नहीं किया, तो इसको हम एज इट इज जो है ना वो जाने दें कि हमने कोई खास एनवायरनमेंट का नाम अभी सेट नहीं किया इसके लिए। जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पर आपकी जो विंडोज फॉर डॉकर है तो यहाँ पर डेव एनवायरनमेंट होती है, तो फिलहाल मैं डेव एनवायरनमेंट पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर, तो मैं सिंपली इधर ही चल रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया। और ये देखें एक एनवायरनमेंट फाइल है, उसके अंदर मैं डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। तो अगर आप इस फोल्डर में आए, इस फोल्डर में आए तो देखें ये hadoop.env है, तो ये बेसिकली आपकी एनवायरनमेंट फाइल है। इसको भी आप जरा खोलें अगर नोटपैड से, तो इसको खोलने के बाद आपको ये अंदाजा होगा, जैसे ये देखें ये वाली फाइल है जो आपको यानी देखनी है। अब इसमें देखें हडूप को चलाने के लिए यू नीड टू हैव डिफरेंट पैरामीटर्स सेट अप देयर, राइट, क्योंकि टिपिकली जब हडूप चलता है तो उसमें तीन चार कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं जो कि आपको जिसके पैरामीटर्स आपको कुछ चीजों के चेंज करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप सब चीजों को डॉकराइज कर रहे हैं तो आप एक फाइल बनाएं जिसके अंदर सारे जो इस तरह की चीजें हैं पैरामीटर मैपिंग्स हैं वो डिफाइन हो जाए। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डॉकर कंपोज फाइल के अंदर पासवर्ड्स ना हो तो पासवर्ड्स आप सारे के सारे एनवायरमेंट फाइल में डाल देते हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है जो उसकी डिटेल है यानी उसका जो इस्तेमाल है, तो कहने का मकसद कहने का मकसद ये है कि ये आपकी अगर कंपोज फाइल है और ये आपकी एनवायरमेंट फाइल है, तो एनवायरमेंट फाइल शुड बी इन द सेम फोल्डर एज द कंपोज फाइल। तो इफ दैट इज द सिचुएशन देन यू कैन यूज दीज एनवायरमेंट वेरिएबल्स एज दे आर स्पेसिफाइड इन द एनवायरमेंट फाइल इनसाइड द कंपोज फाइल। तो हियर यू कैन सी के देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल्स दैट वी वांट टू यूज। ठीक है, पहली तो ये है कि कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल का मतलब ये है कि द बेसिक नॉलेज जो कि चाहिए होता है हडूप को चलाने के लिए। तो उसके अंदर बेसिकली डिफॉल्ट फाइल सिस्टम आपका क्या है, वो HDFS नेम नोड 9000। तो अगर आपने ये देखना है कि आपके इफ यू वांट टू सी के मेरे नेम नोड HDFS के ऊपर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि आई टोल्ड यू के जब हडूप आपका चलता है तो हडूप का जो चलना है वो प्राइमरीली दिस इज दी हडूप लेयर, दिस इज दी यू कैन से HDFS, और यहाँ पर आपके पास नेम नोड है, यू कैन हैव मल्टीपल डेटा नोड्स, ठीक है, और ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है कि यू वांट टू इंक्वायर अबाउट द क्लस्टर, कि क्लस्टर में क्या हो रहा है। तो क्लस्टर आपको बताएगा कि जी नेम नोड जो है वो इस URL पे चल रहा है, तो नेम नोड सही चल रहा है और तीन चार डेटा नोड चल रहे हैं वो भी सही चल रहे हैं, कितना इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक तो ये चीज़ है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि HDFS कैन बी यूज्ड एज अ डेटा रिपोजिटरी, HDFS के ऊपर मैं चीजें वगैरह स्टोर कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं आई विल आल्सो वांट टू सी द HDFS फोल्डर, तो HDFS फोल्डर देखने के लिए आई कैन यूज दिस URL 9000, ठीक है, और ये जो लवाजमाती चीजें देखने के लिए आई कैन यूज दैट अदर वन जो कि मेरे ख्याल में था 9570 जो भी था।
9870 वो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, और Hadoop फाइल सिस्टम के कंटेंट्स देखने के लिए उसपे जो आपने फोल्डर्स बनाए हैं, उसपे जो आपने फाइल्स बनाई हैं, उसको देखने के लिए जो ना वो मैं जो है ना वो दूसरी पोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये दो चीजें हैं प्राइमरीली जो कि नेम नोड से रिलेटेड होती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि कैसे मैनेज हो रहा है। नेम नोड से क्यों रिलेटेड होती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नेम नोड इज द प्राइमरी मैनेजर, बाकी जो नेम नोड मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर वो बेसिकली सेकेंडरी किस्म के मैनेजर्स होते हैं। जो मेन मैनेजर है वो नेम नोड होता है हर चीज का, जिस चीज से आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है, तो वही बता सकता है आपको कि Hadoop पे इस वक्त क्या क्या पड़ा हुआ है, यानी Hadoop फाइल सिस्टम पे, और आपस में डेटा नोड वगैरह की क्या हेल्थ है, क्या क्या उनकी कम्युनिकेशन है, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये दो URLs के ऊपर आप चीजों को देख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा स्टैटिक यूजर। अभी हमने कोई देखें यहाँ पर हमने कोई इसकी कोई सिक्योरिटी सेटिंग्स वगैरह डिफाइन नहीं की है, तो ये यहाँ पर बेसिकली वो रूट ही है। The root user is the default user here. Proxy user Hue हम नहीं चला रहे हैं। Hue basically इसका front end है, और Hue अभी तक हम इस tutorial में Hue नहीं चला रहे, तो अभी तक हमने उसके कोई users वगैरह define भी नहीं किया, क्योंकि Hue basically is an interface जिसमें आपको login करना पड़ता है। तो login का मतलब ये है कि आपको users define करने पड़ेंगे, और आपको उसके लिए password और username define करना पड़ेगा, जैसा कि वो IAM systems के अंदर होता है। आप में से जो लोग साइबर सिक्योरिटी या उसके डेटाबेस सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते हैं, दे विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो उसमें आप यूजर के रोल्स और सारी चीजें आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो अभी उसका कोई ह्यू का होस्ट भी मैंने डिफाइन नहीं किया, कोई ग्रुप्स भी उसके डिफाइन नहीं किए। और कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि देखें, डेटा जो आपका डेटाबेस में भी स्टोर होता है आमतौर पर, अगर आपने उसकी उस तरह से सेटिंग की है, तो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है, ताकि हम उसको कम स्पेस में वही चीज स्टोर कर सकें। तो कंप्रेशन में भी आप कोई किसी एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं, तो आमतौर पर उसको कोडेक्स कहा जाता है। तो कोडेक्स जो है ना वो बेसिकली वो मेथड्स होते हैं या वो फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है ना आपका डेटा कंप्रेस फॉर्म में स्टोर हो सकता है। तो चूंकि हम यहाँ पर Hadoop पे बिग डेटा की कहानी कर रहे हैं, तो बिग डेटा में भी जो है ये कहानी है कि जो आपको बेसिकली डेटा को कंप्रेस करके रखना होता है, तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो सकते हैं। तो ये जो है ना ये आपके कोर कॉन्फ़िगरेशंस थी, चार पांच और भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो स्पेसिफाई किए मेरे ख्याल में जो जरूरी होती है। ये आपकी HDFS की कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि वेब HDFS इनेबल्ड है, क्योंकि हम अब वेब के ऊपर लोकल होस्ट के ऊपर हम इसका इंशाल्लाह ताला अभी इसका वो देखेंगे कि क्या उसका सिस्टम चल रहा है। परमिशंस मैंने इनेबल की हुई हैं, फॉल्स की हुई है, सारी परमिशंस इनेबल्ड नहीं है। और DFS नेम नोड डेटा नोड रजिस्ट्रेशन IP होस्ट नेम चेक फॉल्स। तो मतलब देखें, बात ये होती है कि मैं किसी IP से एक्सेस करूंगा ना, ये भी मैंने चीज देखी है कि जो अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम से कोई आके कनेक्ट हो आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार इन IP से जो बंदा आएगा सिर्फ वही कनेक्ट होगा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। वरना तो पूरी दुनिया आपके सिस्टम से आके कनेक्ट हो सकती है, जिसको हम हैकिंग वगैरह के जुमरे में ले लेते हैं। भाई एक वेब सर्वर कितने हैक्स हो जाते हैं, सही, कितने लोगों की वेबसाइट हैक हो जाती है, वो क्यों हैक होती है? वो इसलिए हैक होती है क्योंकि ये वेब सर्वर जो होता है ना, वेब सर्वर में ऐसी कोई सिक्योरिटी सेटिंग नहीं होती कि फलां IP टाइप होगी तो फिर ही मैं कनेक्ट कराएंगे। वेब सर्वर पे तो सारी दुनिया आती है, यानी वेब पेज कोई पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसीलिए हैकर्स के लिए वेब सर्वर को हैक करना ये बहुत आसान होता है, जिनको हैकिंग आती है। वेब सर्वर के पास कोई सिक्योरिटी सेटिंग नहीं होती कि मैं जो हूँ, मसलन एक वेब सर्वर ये कहे कि भाई सिर्फ और सिर्फ मिजान बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो यूजर्स हैं, बस उनके पास फलां ऑफिस में जो IPs हैं सिर्फ वही मेरे यहाँ कनेक्ट हो सकती हैं, तो बाकी सब IPs को भी रिजेक्ट कर देगा, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है इस किस्म की चीज़ों से, ठीक है। तो लेकिन वेब सर्वर के बारे में आप इस तरह की मामला नहीं कर सकते। हाँ, जो आप डॉकराइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर आप ये मामला रख सकते हैं, अगर सिक्योरिटी सेटिंग आपने इनेबल करनी है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारे काम जो है ना वो सिस्टम्स का जो बंदा है ना ये वो आपको करके देगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो कॉन्फ़िगरेशन की जो टाइप है वो यान की है, जो कि आपका रिसोर्स मैनेजर है। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग्स हैं, लॉग एग्रीगेशन ट्रू हुआ हुआ है। अगर मैंने यान की हिस्ट्री देखनी है तो वो हिस्ट्री सर्वर पे होगी, तो हिस्ट्री सर्वर एक सर्विस है जो भी हम डिफाइन करेंगे, वो यान का हिस्ट्री स्टोर करता है और वो आपको मिलेगी पोर्ट 8188 पे, एप्लीकेशन हिस्ट्री लॉग्स। तो अभी याद रहेगा तो हम ये भी एक्सेस करके देख लेंगे। रिकवरी इनेबल्ड हमने ट्रू किया हुआ है,
रिकवरी, जैसे कि डेटाबेस की रिकवरी होती है इसी तरह यहाँ की भी रिकवरी हो सकती है इन केस कोई सिस्टम डाउन हो जाए। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम आपके डाउन हो सकते हैं ना, कोई भी चीज अगर क्लस्टर में होती है तो किसी वक्त भी वो डाउन जा सकती है। और रिसोर्स मैनेजर की क्लास कौन सी है, यानी एपीआई कौन सी जो कि आप इस्तेमाल करें, स्केड्यूलर की कौन सी एपीआई है, तो ये बेसिकली उस एपीआई की लोकेशन बताई हुई है, org.apache.hadoop.yarn। ये जो हम डाउनलोड करेंगे ना यान का, रिसोर्स मैनेजर का जो इमेज होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी, इमेज के अंदर ये सारी क्लासों की लोकेशन इसी तरह लिखी होगी, यानी एक फोल्डर ओआरजी का होगा, फिर अपाची का होगा, फिर हडूप का होगा, फिर यान का होगा, उसके अंदर चलते चलते आखिर में आपके पास ये वाला किसी फाइल में ये क्लास आ जाएगी। तो बेसिकली ये इमेज के अंदर की कहानी बता रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम एलोकेशन कितनी है रूट के लिए, 819 मेरा ख्याल में ये 8 मेगाबाइट्स की है, और स्केड्यूलर की कैपेसिटी भी। अब ये वी कोड्स तकरीबन 4 मिनिमम होने चाहिए। अब अमेजोन वेब सर्विसेज पे ऐसा मामला आता है कि जब आप AWS पे काम कर रहे होते हैं तो जब आप शुरू में अपना इंस्टेंस बनाते हैं, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों का इस पे एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन शुरू में जब आप अमेजोन वेब सर्विसेज पे इंस्टेंस बनाते हैं तो उसका अक्सर मेरी बाज़ औक़ात ये होता है कि VCPU जो है ना, वर्चुअल CPU वो जीरो होते हैं, तो फिर आपको अमेजोन को जो है ना वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और CPUs के लिए। तो ये वर्चुअल CPU बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, और ये मिनिमम जो है मेरे ख्याल में 4 ही होते हैं। मैंने तो ज्यादातर देखा है मिनिमम 4 से शुरू होते हैं, 4, 8, 16, 32 इस तरह का। जितने वी कोर्स होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास प्रोसेसिंग पावर होगी। तो फिलहाल ये हमने इसको 4 ही वो जो है ना एलोकेट किया हुआ है। URI /RM state ये कोई इसका फोल्डर होगा, ये फाइल सिस्टम की स्टेट स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपकी स्टेट स्टोर होगी। मैंने आपको बताया था कि चेक पॉइंटिंग होती है, मुख्तलिफ लम्हात के बाद चेक पॉइंटिंग होती है, ताकि हम जो है वो उसकी उसको यानी अगर सिस्टम डाउन हो जाता है तो पिछले चेक पॉइंट से हम सिस्टम को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी फ्लैग्स प्रॉब्ली उसी से रिलेटेड है। फिर कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि आपको वेब पेज पे नजर आ सकते हैं, होस्ट नेम आपका क्या है, रिसोर्स मैनेजर एड्रेस क्या है रिसोर्स मैनेजर। अब ये रिसोर्स मैनेजर 8032 पे चल रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं इसमें भी क्या आगे कहानी बनेगी। और इसका स्केड्यूलर जो है ना वो 8030 पे चल रहा है पोर्ट के ऊपर, रिसोर्स ट्रैकर 8031 पे चल रहा है। अब वो यानी वही बातें देखें, आपने कोई भी काम करना है ना तो उसके वो अपने वो काम जब आप करेंगे तो मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सब फंक्शंस करने पड़ते हैं ना। जैसे मैं आपसे कहूँगा भाई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इम्प्लीमेंट करो, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में तो फिर ये है कि आपको क्या कहते हैं उसके अंदर 3-4 मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, तो ये भी अपने अपने मॉड्यूल्स की बात कर रहा है बेसिकली। अब टाइमलाइन सर्विस इनेबल्ड ये ट्रू है, और ये भी ट्रू का मतलब बस ठीक है हम उसको इस्तेमाल से। जेनरिक एप्लीकेशन हिस्ट्री इनेबल्ड ट्रू है, यान के टाइमलाइन सर्विस होस्ट नेम हिस्ट्री सर्वर के ऊपर है, तो ये टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ फ्लैग्स हैं जो कि हमने तीनों को बेसिकली इन दोनों को ट्रू किया हुआ है, और यहाँ पे जो होस्ट नेम है वो हिस्ट्री सर्वर है हमारा। अच्छा अब ये देखेंगे मैं, अब ये मैप रिड्यूस से रिलेटेड आ गए, क्योंकि मैप रिड्यूस मैंने आपको बताया था कि वो क्या चीज होती है, तो मैप रिड्यूस की जो मैप की आउटपुट कंप्रेस्ड आएगी वो ट्रू है। लेकिन अब ये एक फ्लैग है भाई, जब मैंने मैप को मैंने जो किसी भी डेटा को मैप किया तो उसमें जो की वैल्यू पेयर्स आएंगे उनको भी मुझे कंप्रेशन करना है, जगह बचाने, क्योंकि मिलियंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स आ सकते हैं बिग डेटा में, तो ये उसको बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया हुआ है। जो कंप्रेशन कोडेक इस्तेमाल होगा वो ये है, 16 MB आपकी यान के लिए नोड मैनेजर की जो रिसोर्स मेमोरी है, या यान का जो नोड मैनेजर, हाँ यान का नोड मैनेजर, ये नेम नोड नहीं है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भाई सारी बातें ना आपको याद रखनी है, अगले हफ्ते आपका जो है फाइनल एग्जाम भी है सेकेंड हाफ के अंदर, पहले हाफ में हम एक दो और हैंड्स ऑन करेंगे इंशाल्लाह, और आखिरी के 1.25 घंटे में आपका फाइनल एग्जाम है, तो ख्याल रखिएगा जरा इंशाल्लाह। तो यान नोड मैनेजर, यान का नोड मैनेजर एक है जो, क्योंकि वो यान का अपना कंपोनेंट है, अब उसके ये सारे आ रहे हैं 16 MB हैं, उसके पास देखें 8 V cores आ गई, और डिस्क यूटिलाइजेशन की मैक्सिमम डिस्क हेल्थ अगर मैक्सिमम क्या है 98.5 तक तुम जा सकते हो, और रिमोट एप्लीकेशन लॉग इन डायरेक्टरी ऐप लॉग्स मैप रिड्यूस शफल,
ये शफल याद आ गया आपको, मैंने कहा था ना शफल, जो शफलिंग करते हैं, लास्ट लेक्चर से आपको याद आ जाना चाहिए। ऑक्सिलरी सर्विस मैप रिड्यूस अंडरस्कोर शफल, तो शफलिंग इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। शफलिंग में क्या होता है बता सकता है कोई? सर मल्टीपल जो हमारे पास काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, लाइक सपोज अगर हम टेक्स्ट को देख रहे हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। नहीं नहीं ये नहीं होता अल्फाबेटिकल में, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शफल का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिकल में ऑर्गेनाइज करके या इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर उनको रेलिवेंट पीसीज पे लेकर जाओ ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। जैसे कि हमने कहा था कि ए से एफ तक एक पीसी पे होगा, ठीक है, और जी से पी तक एक पीसी पे होगा और क्यू से जी तक एक पीसी पे होगा। तो ये शफलिंग से होता है क्योंकि पहले पहल तो सारे पेयर जो है ना वो सारे मिक्सअप पड़े होते हैं, लेकिन फिर उसको हम एक ही जैसी चीजों को एक ही जगह पे ले आते हैं, ये शफलिंग होती है। अच्छा अब जो है ना इसके अंदर मैप रिड्यूस की भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। मैप रिड्यूस का जो फ्रेमवर्क है उसका नाम यार्न है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये देखें आप कोड जो है ना, जो आपने मैप रिड्यूस का कोड लिखना है वो जावा में भी लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं, स्काला में लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल में सी में भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी फिलहाल ये जावा पे पुरानी एग्जाम्पल्स बनी हुई है, वही लोग इस्तेमाल करके दिखाते रहते हैं। तो उस पे ये जावा की ना मेरे ख्याल में ये हीप मेमोरी है, ये चार गीगाबाइट है शायद, ये ना ये हीप मेमोरी है, ये देखें ना ये मैपिंग के लिए आपको आई थिंक ये मेगाबाइट है, 4 मेगाबाइट, ठीक है, दिस इज 4 मेगाबाइट मैपिंग के लिए, 8 मेगाबाइट रिड्यूस के लिए। क्यों भाई ये ऐसा क्यों है बता सकता है कोई? रिड्यूस के लिए ज्यादा क्यों है? हाँ रिड्यूस ऑपरेशन के लिए मेमोरी ज्यादा क्यों चाहिए, कौन बताएगा? ओके सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट के व्हाई द मैप मेमोरी इज लेस देन द रिड्यूस मेमोरी, बिकॉज रिड्यूस मेमोरी इज द एक्चुअल वर्क दैट इज बीइंग डन, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग द टोटल और यू नो कैलकुलेटिंग द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, and also probably the shuffle phase is also part of the reduce phase. So इस केस में जो है ना वो आपको obviously इस केस में आपको ज्यादा मेमोरी भी रखनी चाहिए because shuffle is a lot of work as well. And now the map java options, ये java की कुछ, ये again I think this is the java heap memory option, this is the map reduce child java options, and this is the map reduce map java options and map reduce reduce java options. So ye teen kism ki category hain over which you have to specify the limits of the heap memory for the map reduce operation regarding related to java. Sahi hai to ye heap memory sizes aap kyunki the itna zyada farak nahi hai, dekhiye sirf farak in dono ke darmiyan zyada hai, baki ye bhi wahi hai, this is also same, ye bhi itna zyada farak nahi hai, 4000 ke aas paas hi chal rahi hai. तो लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जावा की बेस में भी अगर आप करते हैं ना, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3072 है, यहाँ पे 6144 है, तो डबल द साइज फॉर द रिड्यूस ऑपरेशन। तो आप जितनी भी रखें, मतलब आप कहते हैं भाई मैंने यहाँ पे भी 4000 करना है, तो फिर आपको यहाँ पे 8000 कर देनी चाहिए। तो अब आप 8 GB मेगाबाइट 8192 बोलते 8 GB, तो 8 GB तो कम अज कम आपको 16 GB रैम आपके पास होनी चाहिए इस किस्म के कामों के लिए, ठीक है। ओके यार्न एप्लीकेशन मैप रिड्यूस एम एनवायरनमेंट हडूप मैप रिड्यूस होम। अब देखे ना ये बेसिकली आपका वो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, दिस इज सम डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी के ये मैंने स्पेसिफाई किया कि ये डायरेक्टरी कौन सी है, वो ये वाली है ओपीटी हडूप 3.2.1। ये जो आपका कंटेनर के अंदर जो फोल्डर होगा ना, ये उसकी बात करे कि हडूप यहाँ पे इंस्टॉल होगा जाके, वो आप चाहें तो आप बाद में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, ये यार्न के पर्सपेक्टिव से है,
और ये उसके मैप रिड्यूस के परस्पेक्टिव से है, वो भी यही सारी फाइल है बेसिकली, ये वो भी यही फाइल है। तो तीनों तीनों में जो मैप रिड्यूस का, जो मैप रिड्यूस होम का मतलब ये है कि हमारी होम डायरेक्टरी होती है ना, जैसे आप कहते हैं मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, सी कोलन या सी कोलन यूजर्स और आई डोंट नो रजा बाकिर या सी कोलन यूजर्स बीनिश, तो वो मेरी होम डायरेक्टरी है, मैं जब भी सीएमडी जाऊंगा तो मेरी होम डायरेक्टरी पे खड़ा होगा। तो इस तरह मेरी जो है ना वो मैप रिड्यूस की भी होम डायरेक्टरी है, वो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई, वो फिर जब आप अंदर जाएंगे कंटेनर के तो वो आपको चीजें नजर आ सकती हैं। तो कमिंग बैक टू दिस फाइल, अब ये हमें सही तरह समझ में आ गया है कि इन चीजों का अब क्या मतलब है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली सर्विसेज, आई एम इनिशियलाइजिंग द सर्विसेज, नेम नोड है, दिस इज द इमेज फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू डाउनलोड द नेम नोड, उसका नाम मैंने नेम नोड रखा है। ये पोर्ट मैपिंग भी हो गई, ये मैंने उसका वॉल्यूम भी डिफाइन कर दिया, और वी हैव ऑल्सो सीन दिस फाइल हडूप एनवायरमेंट फाइल। ठीक है, अभी हडूप एनवायरमेंट फाइल से हम लोग कोई भी ना वेरिएबल मेरा ख्याल में अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हमने सिर्फ बता दिया है कि सर्विस के अंदर अगर हम फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लेक्सिबल थिंग, तो मैं डॉकर कंपोज को जो है ना बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं रन टाइम के ऊपर, मैं रन टाइम पे डॉकर कंपोज में नए सर्विसेज ऐड करके दोबारा से भी कंपोज फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और उससे मेरे करंट क्लस्टर पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कि वो एक्स्ट्रा सर्विस एक आ जाएगी। मैं सर्विसेज डिलीट कर सकता हूँ रन टाइम पे, सर्विसेज ऐड कर सकता हूँ रन टाइम पे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मसलन अभी आपने सर्विस लॉन्च कर रहे हो एक डेटा नोड से, अब आप कहते हो नहीं यार मुझे तो दो डेटा नोड चाहिए, तो आप एक और डेटा नोड की सर्विस डाल दो बीच में और फिर दोबारा से कंटेनर रन कर दो, तो वो दोबारा से रन करना शुरू कर देगा, वो ऑटोमेटिक उसको पकड़ेगा बीच में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि हडूप की, ये हडूप की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये डॉकर ना भी हो फिर भी आप ये सब काम कर सकते हो, लेकिन डॉकर के अंदर इसकी मैनेजमेंट जरा आसान हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब अगला जो है ना वो आपका डेटा नोड आ गया। अब डेटा नोड में दिस इज द सर्विस नेम, अब ये इमेज है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पूरा इमेज का नाम है, उसका नाम मैंने यहाँ पे डेटा नोड रखा है, रीस्टार्ट ऑलवेज वॉल्यूम्स आई क्रिएट अ सेपरेट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे क्या था, हडूप डीएफएस नेम और डेटा। अब देखें जब डेटा नोड चलेगा ना सर्विस, तो डेटा नोड अपनी अपनी लॉग फाइल जनरेट करेगा, मसलन तुम्हें कौन सा डेटा मिला था, तुमने कितने टाइम में प्रोसेस किया था, उसका रिजल्ट क्या आया था, ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें आपको स्टोर करनी है। और यहाँ पर एनवायरमेंट कहता हूँ कि सर्विस की प्री कंडीशन क्या है, कि नेम नोड 9870 जो है ये आपका बेसिकली चल रहा होना चाहिए। तो नेम नोड अप होगा तो फिर डेटा नोड चलेगा और उसके साथ वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, ये उसकी बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक प्री कंडीशन है, क्योंकि नेम नोड अगर नहीं होगा तो वो डेटा नोड की मैनेजमेंट, देखें ये मैनेजमेंट नोड है, यहाँ पे 9870 में कहा ना ये मैनेजमेंट के लिए है, और ये फाइल सिस्टम के कंटेंट्स वगैरह देखने के लिए, तो ये आपका मैनेजमेंट के लिए है। वो बता रहा है कि मेरी प्री कंडीशन ये, अब देखें ना प्री कंडीशन का मतलब, चले अब बताएं प्री कंडीशन का क्या मतलब होगा यहाँ पे। देखिए इसका मतलब ये है बेसिकली कि सर्विस की प्री कंडीशन, इट्स ऑब्वियस इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुम ये चाहते हो कि ये सर्विस हम लॉन्च करें, तो उसकी प्री कंडीशन ये है कि पहले ये चलाओ, क्योंकि जब तक नेम नोड अपडेट, जब तक नेम नोड नहीं होगा तो डेटा नोड अकेला तो कर ही नहीं सकता, वो नेम नोड ही तो उसको मैनेज कर रहा है। तो जब आका ही नहीं है तो गुलाम को लाने का क्या फायदा, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मुझे पहले ना चलाना, पहले जो है नेम नोड को अप करो, उसका ये वाली पोर्ट के ऊपर नेम नोड चलाओ, और जाहिर सी बात है 9000 भी उसके साथ ही चल जाएगा, उसके बाद डेटा नोड की सर्विस चलाना, क्योंकि डेटा नोड की सर्विस जैसे ही चलेगी वो नेम नोड को सर्च करेगी। तो अगर आप पहले डेटा नोड की सर्विस लॉन्च कर दो फिर आप नेम नोड की लॉन्च करो, तो आपका सिस्टम जो है ना वो एरर स्टेट में चला जाएगा। सही है, बात की समझ में आ रही है? हाँ ये अच्छा, अब आपका आ गया भाई रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर आपको पता है यार्न होता है, तो ये वो रिसोर्स मैनेजर, ये वो हमने देख लिया ऑलरेडी, ये जो है ना इसको अगर आप कहते हैं हम इसको दोबारा देख लेते हैं चल के, ये जो हमने देखा था ना इसमें ये BDE का जो है, तो यहां पे जब मैं कहता हूं BDE रिसोर्स मैनेजर, ये देखें जू कीपर भी है,
स्पार्क और रिसोर्स मैनेजर डिप्लॉय, हडूप नोड मैनेजर, ये हडूप रिसोर्स मैनेजर ये वाला है, ठीक है, इसके लिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए ये चीजें चेंज होती रहती हैं, वो लेटेस्ट खुद ही उठा लेगा, हमें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फाइल है, उसका नाम मैंने ये रखा है रिस्टोर्ड ऑलवेज। ये कंडीशन और प्री कंडीशन मेरी क्या है, नेम नोड की ये दोनों पोर्ट चल रही हो और डेटा नोड इस पोर्ट पे चल रहा हो। अब मैंने डेटा नोड की यहाँ तो कोई पोर्ट स्पेसिफाई नहीं की थी, लेकिन अब मैंने क्या कहा है कि भाई डेटा नोड को आप 9864 पे चलाओ। तो अब मैं अब मेरे पास तीन URLs हैं जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ वंस माय क्लस्टर इज अप एंड रनिंग। नेम नोड 9000 देख सकता हूँ, मैं देखूंगा कि नेम नोड कौन कौन सी वो किस तरह मैनेज कर रहा है चीजों को। अगर ये मैं फाइल सिस्टम को देख सकता हूँ, मैं नेम नोड की मैनेजमेंट देख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं डेटा नोड को देख सकता हूँ कि डेटा नोड को कितना काम मिला है, कौन से टास्क उसने एग्जीक्यूट किए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख रहे हैं, आप समझ में आ रही है? अब रिसोर्स मैनेजर स्टार्ट करने से पहले नेम नोड 9000 पे चलाओगे, फिर ये चलाओगे, फिर ये चलाओगे, उसके बाद रिसोर्स मैनेजर। तो मेरे के पहले नेम नोड चलाएगा, फिर डेटा नोड चलेगा, फिर रिसोर्स मैनेजर इनिशियलाइज होगी सर्विस। अब देख रहे हैं सीक्वेंस खुद ही बीच में आ गया, ठीक है, और एनवायरमेंट फाइल तो वही है। आप बताओ चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि जब डेटा नोड चलेगा, रिसोर्स मैनेजर चलेगा, नेम नोड चलेगा, तो इन तीनों को चलने के लिए कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी। वो सारे वेरिएबल्स जो है ना, वो आपने माशाल्लाह से यहाँ पे पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन सर्विसेज को चलने के लिए वेरिएबल्स चाहिए, वो सारे वेरिएबल्स आपने यहाँ स्पेसिफाई किए, तो वो इस फाइल से सारे वेरिएबल्स उठा लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। पहले ये होता था कि जो वेरिएबल्स की फाइल थी वो तीन या चार मुख्तलिफ फाइलें होती थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पड़ी होती थी। यहाँ पे डॉकर कंपोज के जरिए आपके लिए काम आसान हो गया। सही है, समझ में आ रही बात की? जी भाई, भाई ये सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, ये आपके आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ नोट मैनेजर 1 लिखा हो या नोट मैनेजर लिखा हुआ है? नोड मैनेजर 1 लिखा है सर। सर 1 लिखा है। तो 1 यार, 1 क्या लिखने का तुक क्या है? तुक तो नहीं होना चाहिए, नोड मैनेजर तो एक ही है सर्विस का नाम। आई थिंक इसके पीछे कुछ गड़बड़ होगी, शायद उन्होंने नोड मैनेजर कहीं और भी इस्तेमाल किया हो। बहरहाल इसको 1 ही रहने दें, ठीक है। तो ये नोड मैनेजर है। अब अगेन यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए। ये देखें, ये नोड मैनेजर है। तो दिस इज नॉट द नेम नोड एक्चुअली, ये दिस इज द नोड मैनेजर जो के हम इसको देख रहे हैं। एंड लेट्स कम बैक हियर, ये वहां से फाइल उठाएगा, हमने उसका नाम ये रखा रिस्टार्ट ऑलवेज। अब देखे ना, अब इसकी प्री कंडीशन और भी ज्यादा सख्त है। इसको नेम नोड को 9000 पे चलाओ, फिर 987 पे चलाओ, फिर डेटा नोड 9864 पे चलाओ, यहाँ पे हमने दोनों की पोर्ट्स बराबर रखी हैं, फिर रिसोर्स मैनेजर 8088 पे चलाओ। देखे ना, रिसोर्स मैनेजर में मैंने ये नहीं कहा कि तू कब चलेगा, तू कहाँ चलेगा, वो मैं अगली फाइल में बता रहा हूँ कि तू रिसोर्स मैनेजर को यहाँ चला दे 8088 पे, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पोर्ट्स इसके अंदर भी डाल सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्ट्स की डेफिनेशन आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री सर्वर जो है ना, वो बेसिकली जान की हिस्ट्री स्टोर करेगा, वो आपका यहाँ पे हिस्ट्री सर्वर है। सो लेट्स चेक इट अगेन, अगर हिस्ट्री सर्वर की नजर आ, ये आपका हिस्ट्री सर्वर आ गया, ये आपने उठाना है बेसिकली। और हिस्ट्री सर्वर उठाने के बाद जो है ना, वो आपने नाम ये रखा ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें भी वही कहानी है जो के नोड मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, वही हिस्ट्री सर्वर की है, ठीक है। नेम नोड दोनों पोर्ट्स के ऊपर, डेटा नोड और रिसोर्स मैनेजर। अच्छा, वॉल्यूम इसमें कौन सी है कि हडूप अंडरस्कोर हिस्ट्री सर्वर। अब ये मैंने तीन वॉल्यूम्स हमने बना लिए। देखें अभी जो है ना, वो मेरा जो ये है ना, इसमें अभी तक कोई वॉल्यूम नहीं है, और अभी तक कोई भी कंटेनर भी नहीं है, उस तरह का कोई इमेज भी नहीं है, ठीक है। फिलहाल चीजें सब खाली हैं, आप अपने एंड पे भी इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इनफैक्ट इसकी भी वॉल्यूम होगी। हाँ, ये देखें, हडूप तीन वॉल्यूम बनाई है, एक नेम नोड के लिए बनाई है, एक डेटा नोड के लिए बनाई है, और जो तीसरी वॉल्यूम है वो मैंने बनाई है हिस्ट्री सर्वर के लिए। अगर आप चाहते हैं आप नोड मैनेजर के लिए वॉल्यूम बना दें, हम आपको रोकते नहीं है। ये तो मुख्तलिफ चीजें आप खुद ट्राई आउट करके देख सकते हैं। हिस्ट्री सर्वर में देखें हडूप यान की टाइमलाइन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री सर्वर का तो मतलब ही यही है कि भाई आपने टाइमलाइन स्टोर करनी है, तो वो टाइमलाइन स्टोर करने जब जितना भी होगी वो मैं हिस्ट्री सर्वर के वॉल्यूम में जाके
उसको बड़े आराम से मैं देख सकता हूँ कि क्या उसकी तरतीब बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।